डेफिनेटली मेरे ख्याल से वही डिफरेंस था उनका, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट सिक्स ओवर यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यू पड़ती है और बॉल थोड़ा सा वेट रहता है और स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से फिर सेकंड टाइम थोड़ा बॉल भी अच्छा आता है जब ड्यू पड़ती है और बॉल भी थोड़ा सा सोगी हो जाता है और उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड के बैट्समैन को, जो ओपनर्स थे शॉर्ट और एलेक्स हेल, उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया और उससे मोमेंटम उनकी तरफ गया। देखें एज अ टीम आप ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उनको फेस करना पड़ेगा। क्रेडिट देना चाहिए उनको भी, इंग्लैंड की टीम को, और एज अ टीम अपने आप को जितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने पिछले मैचेस इतने अच्छे खेले हैं और जीते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका वहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप ऑन द डे जो आपने मिस्टेक किए उस पर बात करते हैं और आप उनको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट मैच में वो ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन में आएगी कि हम क्या डिफरेंट करें जो हमारे हक में मैच आए और हम बॉलिंग अच्छी करें, क्योंकि एज अ बॉलिंग आपको जितना आप दूसरी टीम पर प्रेशर डालेंगे, डॉट्स बॉल डालेंगे, आउट करेंगे।